तस्वीर नहीं मेरी तस्वीर नहीं मेरी तस्वीर नहीं। बहू रानियां बहू रानियां। साथ हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर साथ हैप्पी बर्थडे टू यू। चले जल्दी से कैंडल्स बुझाएं। अरे क्या देख रहे हैं? मैं जानती हूँ कि आपको सरप्राइज मिला है, अब इतना भी सरप्राइज मत हो। जल्दी से कैंडल्स बुझाएं और केक काटे ना। चले मैं कैंडल्स बुझा देती हूँ। अब आप ये केक काटिए, ये लीजिए छुरी और मुझे अपने हाथों से खिलाइए, दीजिए ना। कितनी खुदगर्ज हो तुम, किसी बात की परवाह है तुम्हें? साथ में तो चुप, बहुत सब्र कर लिया मैंने, बहुत सब्र कर लिया मैंने, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी तुम्हारे अब्बा से बात कर सकते। साथ प्लीज, मुझे गलत समझ रहे हैं, माफ कर दे मुझे। मैं सिर्फ आपको खुश देखना चाह रही थी, बस। मैं बस चाहती थी कि आप एक दफा स्माइल कर ले। प्लीज मुझे गलत मत समझे, खुदा के लिए। सारा सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ इस तरह की किस्से नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम भी देखो ना दादी, हम सबको हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन इन सब में आपका कोई कसूर नहीं है साहब, खुद को क्यों कसूरवार समझते? दादी इस दुनिया में नहीं रही, इस बात को जितनी जल्दी हो सकता है हम एक्सेप्ट कर लें। हर किसी को कभी ना कभी तो जाना है, इससे हमारी जिंदगियां तो नहीं रुकेंगी ना। हमारी पूरी जिंदगी है जिसमें आप हैं, मैं हूँ, हमारा आने वाला कल है। उसकी गलतियों को नजरअंदाज करते, उसकी मासूमियत है, अपनी संजीदगी से उसकी मासूमियत को कभी मजरूम मत करना, वरना तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर भूल जाना इतना आसान होता है तो आज दादी से किया हुआ वादा मैं भूल जाता। खैर तुम नहीं समझोगी, इसका तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हारा कोई तुमसे रूठ कर चला जाएगा। डैड आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, प्लीज थोड़ा सा तो खा लें। भूख नहीं लगी बेटा, और तुमने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया, तुम खा लो। मैं खा लूंगी डैड, मगर आप इस तरह भूखे रहेंगे तो शुगर डाउन हो सकती है ना आपकी, बीमार पड़ जाएंगे आप। तब बीमार पड़ जाने दो, क्या फर्क पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। मैं डैड प्लीज, मैं जानती हूँ दादी जान के चले जाने का दुख तो हम सबके जहन में अभी तक जिंदा है। आपकी माँ थी ना वो, और यकीनन आप हमसे ज्यादा मोहब्बत करते होंगे, पर हम भी तो आपसे मोहब्बत करते हैं ना। डैड, हम आपको खोना नहीं चाहते। खुशकिस्मत है शारिब। चलो ठीक है, सिकरो ले आओ, कुछ मैं खा लेता हूँ। जी। लेकिन वो सईदा ने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया। जी। तुम ऐसे करो कि उसे खिला दो। मगर डैड, आप खाना तो। बेटा मेरी फिक्र मत करो, मैं खा लूंगा। तुम ऐसे करो, तुम अपनी माँ को खिला दो। वैसे सो है कहाँ? डैड मैं देखती हूँ। सईदा बेटा, मेरी अलमारी में जितने भी कपड़े हैं ना, किसी जरूरतमंद को दे देना। और ये जो मेरी चीजें हैं ना, ये उसको देना जिसकी मदद भी हो जाए। हमें जानिए आप सब क्या कर रही हैं, कि क्यों कर रही हो? नहीं बेटा, अब इसकी जरूरत नहीं। अब वक्त आ गया। नहीं अम्मी जान, मेरा बच्चा, मतलब आप सब जानती थी अम्मी। दादी, आप जल्दी से ठीक हो जाएं। आपको मेरी शादी भी तो करनी है ना अभी। मेरा बच्चा, बहुत जल्दी है तुम्हें अपनी शादी की। बेटा कुछ बन तो जाओ ना। दादी, बन तो मैं कुछ ना कुछ जाऊंगा ही। एक बात बताओ, जी अच्छी बच्ची है ना? हाँ हाँ दादी, वो काफी अच्छी लड़की है और डॉक्टर भी बन गई है। बस बेटा फिर कुछ बन जाओ, सुधर जाओ, तो फिर मैं सईदा और राशिदा से बात करूं। क्या बात दादी? बेवकूफ समझ रही हो मुझे? है? मुझे अपनी तरह बेवकूफ मत समझो बेटा। वो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ये वो ये हकला क्यों रहे हो बताओ? हा? वो मेरा मतलब तो ये था ना कि बेटा सुधर जाओ, बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, सब ठीक हो जाए। दादी यू आर ग्रेट। अच्छा बताएं, जूस पीने? सच्ची पिला दो तो मजा आ जाए। अभी लेकर आता हूँ, बैठे। मम्मी जी, मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ। नहीं बेटा, अभी बिल्कुल भूख नहीं है। मम्मी जी, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है। डैडी जी भी ये कह रहे थे कि पहले मम्मी को कुछ खिला दो, बाद में वो कुछ खाएंगे। हाँ बहन, सच कहा तुमने। दोनों पोतों की दिल में तो ले आई, मगर दोनों लड़कियां बड़ी मनोज साबित हुई। आते ही दादी सास को चट कर दी। अच्छा ठीक है, मैं खाना रख देती हूँ, जब आपका दिल चाहे तो खा लीजिएगा। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। ले जाओ, यहाँ से ले जाओ ये सब कुछ उठा के। जी जाओ यहाँ से। निदा क्या कर रही है बेटा? दादी कुछ नहीं, बस थोड़ी देर। दादी आंखें मत खोलिएगा। चलिए ये क्या? जी। 1 नहीं, पहले फूंक तो मारने दो। पहले काटते हैं डैड। पहले फूंक मारे, पहले काटेंगे, पहले काटेंगे। 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। खाती ना। नहीं अम्मी जान, आप खाएं, इसलिए कि हमने ये केक खिलाने के लिए आपको लंच में पहले ही सूप खिला दिया था कि आपके शुगर कंट्रोल रहे। अब तो खाना पड़ेगा। सईदा से मुझे लाख गिले सही, लेकिन खाला जान मुझ में और सईदा में कोई फर्क नहीं रखती थी। हमेशा अपनी सगी बेटियों की तरह चाहा। इतना प्यार करने वाली थी, मुझे तो कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि वो मेरी सगी दादी नहीं। मैं जब भी उनके पास जाती तुम्हारा जरूर पूछती थी। तुम्हारे अब्बा के मरने के बाद मेरा महका तो उन्हीं के दम से आबाद था। अक्सर सईदा और भाई साहब से यही कहती थी कि नाश्ता का ख्याल रखा करो। पता है जब उन्हें पता चला कि तुम डॉक्टर बन गई हो तो बहुत खुश हुई। कहने लगी कि अच्छा है बाहर के डॉक्टरों से जान छुटी, अब तो पैसे भी बचेंगे। पता है सभी हमेशा यही कहती थी, जल्दी से डॉक्टर बन जाओ फिर मैं तुमसे इलाज करवाऊंगी। अभी कुछ ही दिन पहले वो मुझसे पूछ रही थी कि जिया की शादी करने का कब इरादा है। मैंने तो कह दिया जब आप कहेंगी और जहां कहेंगी, मैं जिया की शादी वहीं करूंगी। खाना खाएंगे आप? भूख नहीं लग रही, बिल्कुल भूख नहीं लग रही। तो पता दादी शान को भी बहुत फिक्र रहती थी। सारिम ने खाना खा लिया। दादी शान क्यों चली गई? क्या उन्हें ये नहीं पता कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ? तो वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? शारिम, वो आपकी तड़प को महसूस कर सकता है। जानते हैं आप, लोग मर जाते हैं लेकिन मोहब्बत नहीं मरती। अच्छा चलिए आप खाना खा लें। माँ ने खाया? नहीं। डैड ने? मैं कैसे खा सकता हूँ, कैसे? तुमने खाना खाया? जब डैड ने खाना नहीं खाया, मामा ने खाना नहीं खाया, तो फिर मैं खाना कैसे खा सकती हूँ? शायद हिबा, तुम मामा को डैड को भी खाना खिला दो और प्लीज तुम भी खाना खा लो प्लीज। दिल ही तो है मेरा हमनवा, ये टूटना जाए। जी जी, जानता हूँ मैं घर का सबसे बड़ा बेटा, मुझे ही सबको खाना खिलाना। तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो सारा, अगर ये तो कोई मौका नहीं है ना कि तुम अपनी खुशी सेलिब्रेट करो उस तरह। और क्या करती मैं, अपने शौहर की सालगिरह ही तो मना रही थी, कौन से ढोल गाने बजा रही थी। बंद कमरे में सिर्फ एक केक और कैंडल्स, इतना बुरा लग गया उसको। तुम एक औरत हो और शौहर का रुतबा बहुत बुलंद होता है, इसलिए तुम्हें उनकी सारी बातें माननी होंगी। और ये असूल नहीं है, बल्कि इसे तो असूल बनाया गया है। वैसे मेरे ख्याल से असूल की बात ये है कि रात काफी हो चुकी है तो खाना खा लेते हैं। अरे शारे माँ, आप कब आए? और आप हमारी बातें सुन रहे थे? नहीं, सारी बातें तो नहीं सुनी, लेकिन थोड़ी सी बातें सुन ली। खैर है, चलो खाना खा लो। ये पकड़ो, खिलाओ मुझे। अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में थी, पता तो है आपको। तुम्हें अंदाजा है कितनी देर हो गई है? मैं और तुम्हारी मामा कितने परेशान हो रहे हैं। दादी, पार्टीज में तो थोड़ी बहुत देर हो ही जाती है, और कौन सा मैं इतना लेट हो गई। बासुम, देर होनी थी ना तो कम से कम बता देती। ड्राइवर नहीं था तो मैं फरदीन को भेज देती। दादी, मैं ड्राइवर के साथ आ तो गई हूँ, फरदीन को भेजने की क्या जरूरत है? यानी तुम अकेली आती ड्राइवर के साथ इतनी रात को? कितनी बुरी बात है नीता, कितनी बुरी बात है। दादी क्या हो गया आपको, किस तरह की बातें कर रही हैं? मामा समझाए ना दादी को, जमाना बदल गया। जमाना चाहे कितना भी बदल जाए, अकेली लड़की का इस तरह आना ठीक नहीं है नीता। ओहो प्लीज दादी, क्या हो गया है? इस वक्त तुम्हें मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, जब मैं नहीं होंगी ना फिर याद आई। दादी प्लीज प्लीज एक बार वापस आ जाए, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी, अगर प्लीज एक बार वापस आ जाए। मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं कभी आपको दिल नहीं दुखाऊंगी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। प्लीज एक बार वापस आ जाए। देखो फरदीन, इस मोहल्ले में हमारी बड़ी इज्जत है, आज तक अपने किरदार पर मैंने आंच नहीं आने दी। अकेला पाला है इसे, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। तुमने जो हरकत की है, मैं चाहूं तो ये इस बात का ढंढोरा तुम्हारे घर जाकर पीट सकती हूँ, लेकिन होगा क्या? इज्जत तो हमारी खराब होगी ना। बेहतर यही कि तुम चले जाओ यहाँ से। रुको, ये अपना तोहफा लेकर जाओ और आइंदा इस घर में अपनी माँ और बहनों के बगैर मत आना, समझे? फरदीन, फरदीन बात तो सुनो प्लीज। फरदीन देखो प्लीज, तुम अम्मी की बातों का बुरा मत मानना। मुझे पता है उन्हें गलतफहमी हुई है। हम दोनों जानते हैं कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? क्या समझो अंजिया, क्या समझो? तुमने मुझे समझा नहीं तो मैं और क्या समझूं? तो क्या करती? अगर सख्ती ना बरतती ना तो रोज दरवाजे पर गुलदस्ता लेकर खड़ा होता। ठीक है वो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं, और ये तरीका बिल्कुल गलत है। अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? फरदीन और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या मतलब है? खुलकर बोलो। मतलब ये कि वो उस दिन गुलदस्ता लेकर आपके लिए आया था, आपको मनाने के लिए, ताकि आप वलीमे में शिरकत कर सकें। तो उसने उस वक्त क्यों नहीं बोला? आपने उसे बोलने ही कहा दिया, खुद ही बोलती चली गई और पता नहीं क्या क्या समझ बैठी उल्टा सीधा। उफ मेरे खुदा, तो क्या वो तुमसे मिलने नहीं आया था? नहीं अम्मी, वो मुझसे मिलने क्यों आएगा? बल्कि सच तो ये है कि मैंने ही उसे कहा था आपको मनाने के लिए गुलदस्ता लेकर आए, मैंने बुलाया था उसे। अच्छा, तो ये तुम्हारी शरारत थी और मैंने उस मासूम को खरी खरी सुना दी। पता नहीं क्या गुजरी होगी उसके दिल पर। अब जो हो गया सो हो गया, ये सोचे करना क्या है। मैं अपने बेटे से खुद ही बात कर लूंगी, मना लूंगी इसे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। निदा, बेटा। मामा, दादी हमें छोड़कर क्यों चली गई? वो कैसे जा सकती है? बेटा यही दुनिया का दस्तूर है, हम सबको एक दिन जाना ही है। मैंने दादी को बहुत हर्ट किया है ना, कितना दिल दुखाया था मैंने उनका। नहीं बेटा ऐसी बातें मत करो, तो तुमसे बहुत प्यार करती थी, तो वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती थी। सच में? हाँ, उनकी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि वो तुम्हारी शादी होती देख सके। निदा, मैंने तो उनसे कहा भी था, अम्मी जान आप जल्दी से ठीक हो जाइए, हम दोनों मिलकर निदा के लिए रिश्ता देखेंगे। मुझे क्या खबर थी कि अच्छा मामा अपने आप को तो संभाले आप। देखिए अगर आपने हिम्मत छोड़ दी तो हमारा क्या होगा? अच्छा चलो तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, उठो, शाबाश। चलो चल के भाभियों के साथ किचन में हाथ बटाओ बेटा। क्या सोचेंगी कि निदा अपने कमरे में जाके बंद हो गई? लेकिन बाबा, दादी। आ जाओ बेटा, चलो आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। मगर मेरा गुलियास और बहुत कमजोर हो गया। मेरा फरदीन है, उसको कीड़ा लग गया। उसको उखाड़ के कहीं और लगा दो, वरना मुरझा जाएगा वो। डैडी जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बेटा, इस वीरान बाग को देखना, सब पौधे जो है मुरझा से। हाँ डैडी जी, मैंने भी काफी सारे पौधों पे कीड़ा लगा हुआ देखा है, और लॉन की मिट्टी भी बहुत खराब हो गई है, शायद इस वजह से। इसमें अम्मी जान को पौधों से बहुत लगाव, उसके बाद किसी ने इन पर ध्यान ही नहीं दिया, तो सारे पौधे जो हैं वो मुरझा गए। और ये माली भी कमबख्त पता नहीं कहाँ रहता है, ध्यान ही नहीं देता है। डैडी जी, इसमें माली का कोई कसूर नहीं है, पौधे भी तो औलाद की तरह होते हैं ना। ये पौधे मेरे बिल्कुल बच्चों की तरह है, तुम्हारा फर्ज था कि इनकी हिफाजत करते। अब तुम्हें चाहिए कि तुम अपने बच्चों की हिफाजत करना, जिस तरह ये पौधे उसी तरह मेरे बच्चे भी। और इनकी परवरिश के लिए एक माँ की जरूरत होती है, जो इनकी परवरिश के लिए उन्हें सर्दी, गर्मी और बारिश से बचाए, तभी तो वो परवान चढ़ते हैं। अरे वाह, तुम्हें तो पौधों के बारे में बहुत इल्म है। ऐसे करो, आज से इन सब की जिम्मेदारी तुम्हारी। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाऊंगी, बल्कि अभी से ही। अरे बेटा, अभी इस वक्त तो रहने दो, माली बाबा को आ जाने दो, उनके साथ फिर मिलके करना। अब डैडी जी, मैं तो आपको नाश्ते के लिए बुलाने आई थी, चलिए नाश्ता करते हैं। चलो इकट्ठे करो, आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज अम्मी जान के बगैर हम नाश्ते की मेज पर जमा है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी का एहसास बड़ी शिद्दत से हो रहा है। साद, सारा किधर है? सो रही है अब तक। मैं सारा को बुला के लाती हूँ। नहीं भाभी, आप रहने दो, उसके सर में बहुत दर्द था रात को, मैंने उसे मेडिसिन भी दी, शायद उसी का असर हो। थोड़ी देर में खुद ही उठ जाएगी। दुख, बीमारी, ये सब अपनी जगह, मगर नाश्ते की टेबल पे घर के हर फर्द का होना बहुत जरूरी है। ये बात समझते हो ना तुम? जी। तो फिर सारा को भी समझा देना। मम्मी जी, मैं फरदीन को बुला के लाती हूँ। नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है। जी, मैंने मना कर दिया ना, तो दोबारा ये जुर्रत भी मत करना। निदा, बेटा जाओ, जाके भाई को जगा कर लाओ। जी मामा। मुताहिर बेटा, तुम फरदीन के साथ इतनी सख्ती से बात मत किया करो। अम्मी जान, आपने उसकी हरकतें देखी, खिलंडरा बिल्कुल और कहीं से संजीदगी नहीं है उसकी। तो इसका यह मतलब है कि तुम उस पर सख्ती शुरू कर दो? बेटा, फरदीन छोटा है, सबका लाडला है, उससे प्यार से बातें किया करो। मैं करता तो हूँ, जो उसकी फरमाइश होती है वो पूरी कर देता हूँ, उससे बढ़ के और मैं क्या करूँगा? नहीं, गलत बात है। पैसों से प्यार नहीं खरीदा जाता बेटा। उसके पास बैठो, उसकी सुनो, इंशाल्लाह सुधर जाएगा मेरा बच्चा। मुझे तो लगता है कि जैसे किए हुए गुनाहों की सजा मुझे मिल रही है। जो मैंने किया था वो सारा नहीं। अगर उसने तुम्हारे साथ गलत किया है ना, तो उसको सजा जरूर मिलेगी, देख लेना। बस तुम सोचा ना करो, परेशान ना हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बस उसे प्यार करो, छोटा बच्चा है बेटा, सुधर जाएगा। ताहिर, आप रो रहे हैं? नहीं, वो आंख में कुछ चला गया था। मैं समझ सकती हूँ। अम्मी जान चली गई हैं, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारियां सौंप गई हैं। ठीक कह रहे हैं आप, बस अब ये दुआ करें कि हम ये जिम्मेदारियां पूरी भी कर सकें। आमीन। शब मैं दफ्तर के लिए निकलता हूँ, हालांकि मैं बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा जाने को। मैं समझ सकती हूँ होता है। अच्छा ठीक है, आप जाएं, मगर अपना ख्याल रखिएगा। चलता हूँ। क्या बताऊं अम्मी, इतनी मुश्किलों से खाना खाया है, निवाला भी निकला नहीं जा रहा था। अरे क्यों, ऐसा क्या हो रहा था वहाँ? मत पूछें, नहीं बता सकती मैं आपको कि हो क्या रहा था वहाँ पर। अरे बेटा, पर हुआ क्या, कुछ पता भी तो चले। दोनों भाई अजीब हैं, एक भाई जो दादी के गम में अपनी सालगिरह नहीं मना रहा, और दूसरा भाई सबके सामने मुस्कुरा मुस्कुरा के अपनी बीवी को अपने हाथों से निवाले खिला रहा था। सच में अम्मी, कहाँ फंसा दिया आपने, इतने दोगले लोग हैं। अगर मामा पूछे तो उन्हें कहना कि तुम्हारे सर में दर्द है, इसलिए तुम ब्रेकफास्ट पे नहीं गई। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अल्लाह हाफिज़। हेलो, मामा ने जो कहा तुम्हें बुरा लगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हिबा, मामा ने जो कहा तुम्हारी बेहतरी के लिए तो कहा। अब देखो, फरदीन को जगाना तुम्हारा काम तो नहीं है ना। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चालू तो फिर कैसी बात है, वो क्यों ऑफ है जनाब का? मूड तो ठीक है, मेरा मूड मुझे नहीं बताओगी? शारिम, मैं बहुत डर गई थी। ताजुब है, डांट पड़ने पर इंसान शर्मिंदा होता है, गुस्से में आ जाता है, मगर तुम डर गई थी? शारिम, मुझे इससे पहले कभी किसी ने नहीं टोका। छोटी अम्मी अक्सर डांट दिया करती थी मुझे। अगर मैं उसे उनकी आदत समझ के इग्नोर कर दिया करती थी, मगर जब मम्मी ने मुझे डांटा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी अपने ने मुझे डांटा, जैसे मेरी माँ ने मुझे डांटा। तो मेरी मामा तुम्हारी भी तो मम्मी है। बिल्कुल, लेकिन मुझे मेरे नसीब से बहुत डर लगता है शारम। मेरे अपने मुझे छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी बातें नहीं सोचते, तुम्हें कोई भी कहीं छोड़कर नहीं जा रहा। तुम्हारे अपने हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, और फिर मैं जो सबसे बढ़कर तुम्हारा अपना हूं, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो फिर डरने की क्या बात है? स्माइल प्लीज, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, और अगर तुम इस मूड से मुझे ऑफिस भेजो तो मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। खुदा आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। ठीक है, फरदीन नजर नहीं आ रहा। आप? हाँ, मैंने निदा से कहा था उसे जगा दे, मैं खुद जाती हूँ। अरे अरे, सो रहा है तो सोने दो उसे। राजदा, तुम्हें कोई जरूरी काम तो नहीं है फरदीन से? अरे नहीं, सारे बच्चे नजर आ रहे थे, एक वो ही नजर नहीं आया, इसलिए पूछ लिया। मेरा आना बुरा तो नहीं लगा तुम्हें? अरे नहीं नहीं राजदा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस दिल थोड़ा बेचैन है। क्या हुआ? खैरियत तो है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है? हाँ हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसा लग रहा है जैसे अपने किए हुए फैसले पर पछता रही हूँ मैं। क्या कह रही हो सईदा? वही जो तुम सुन रही हो राजदा। सारा और हिबा का इस घर में आना इस घर को रास नहीं आया।